हे गाइस वेलकम टू द ब्लॉग, स्वागत करता हूँ आप सभी को। और अगर आप सोच रहे हो कि यार हेयर कट ले लिया, तो लास्ट मंथ में तो मैंने नहीं लिया था, काफ़ी 2 मंथ से मैंने नहीं लिया था, लेकिन इस मंथ में मम्मी ने बोला कि ले लो तो फाइनली लेना पड़ा। और अभी मैं आया हुआ हूँ टेम्पो स्टैंड के पास, जस्ट SBI था पीछे में तो, लेकिन मशीन ख़राब है ऑलवेज यहाँ पे, कभी ना कि वीक में 1-2 बार मशीन ख़राब हो ही जाता है, सो काम नहीं हुआ। और जस्ट अभी आशीष बुलाया है मुझे, वहाँ पे जाना है, और पता नहीं क्यों बुला रहा है मुझे, पता नहीं सुबह से बोल रहा है कि भाई आ जा, कुछ सरप्राइज़ है, क्या है, मुझे सॉफ्ट कराना चाहता है, क्योंकि मैंने बोला कि भाई बता मुझे, तो बोल रहा है नहीं आपका रिएक्शन देखना है क्या होगा। तो मैं अभी वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या कचरा अंदर रख रखा है उसने। दूसरी चीज़ कि भाई आज टाइम पे वीडियो इसलिए नहीं आ पाया कि वीडियो एडिट सारा था, मैंने टोटली अपलोड कर दिया था, लेकिन लास्ट में जाके वीडियो स्टक हो गया नेटवर्क इशू के कारण, जिसके कारण वीडियो नहीं आ पाया। तो कुछ देर में वीडियो आ जाएगा, जब तक अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो वीडियो देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देखिए। और फिलहाल अभी वहाँ पे चलते हैं, आशीष वेट कर रहा है, पता नहीं क्या है उसके दिमाग में भाई, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। भाई इसी के साथ पहुँच चुके हैं पार्क वाले रोड में, और आगे अभी चलते हैं, बस थोड़ा सा और चलना 20-25 मीटर, वहाँ जाने के बाद देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन तब तक के लिए चैनल पे जो लोग अपने हैं, कॉल भी आ रहे होते लेकिन मैं उठा नहीं रहा, अभी शूट हो रहा है, तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और उसने कॉल किया है, पता नहीं इस रोड में है या कहाँ है, मैं एक बार कॉल उठा के देख लेता हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को, और पता नहीं इस रोड में लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो यहाँ पे कुत्ता दौड़ाया था हम लोगों को, और यहाँ पे बोल रहा है कि आके वेट करो यार, पता नहीं ये स्ट्रीट डॉग था वही दौड़ा दिया था। तो इस रोड में तब से मैं नहीं आता यार, गाड़ी के साथ तो स्पेशली नहीं आता, और पता नहीं यहाँ के डॉग्स इतने एग्रेसिव क्यों हैं, क्योंकि अगर मैं दिखाऊँ तो मेरे पीछे भी 2 बैठे हुए हैं, एक देख रहा है मुझे और बैठा हुआ है, मैं उतना डरता नहीं हूँ जितना अगर आप लोग अगर डरपोक समझ लो तो। हाँ वो बात अलग है कि गाड़ी में चलने के दौरान डायरेक्टली अगर एक्सीडेंस हो जाता है, पीछे पड़ जाता है, तो उसमें एक्सीलेटर लेना पड़ता है, क्योंकि आपको कोई गारंटी नहीं है वो काटेगा या नोचेगा। फिर मुझे बुलाया इस तरफ और खुद है उस तरफ, वहाँ पे अगर आप गाड़ी देख रहे होगे तो लास्ट में वहाँ पे स्कूटी आप देख रहे हो वहाँ पे, तो मुझे यहाँ बुलाया, अब मैं उधर कैसे जाऊँ, बीच में तो ताला बंद है, तो अब मुझे ये तरफ के ऊपर जाना होगा। तो जस्ट भाई इसको चढ़ाते हैं, कैसे चलो, ये खुलेगा नहीं खुलेगा, इधर ही से आना पड़ेगा क्या भैया, चलो भाई चल जाओ ऊपर। इधर से आया और जस्ट अभी उधर खड़ा, देखो क्या कर रहा है, फिर ये भी तरपना पड़ेगा। अरे यार गेट खुला हुआ है, मुझे इधर से डर आया उल्टा, और फाइनली गेट खुला था, यहाँ से निकला हूँ और देखते हूँ अब वहाँ उतना दूर जाना होगा, मैं दिखाता हूँ कितना दूर है, उतना दूर है भाई, पता नहीं क्या कर रहा है यार पूरा, मतलब सॉरी अगर आपको ज़्यादा मूव कर रहा हो, हिल रहा हो तो, क्योंकि मुझे दौड़ना पड़ रहा है, शायद कुछ पेपर जैसा छिपा रहा है। और क्या है आशीष, वो पक्का मुंह में लगा रहा है, गारंटी कुछ तो लगा रहा है, क्या है, अरे जोकर टाइप का कुछ नजर आ रहा है मुझे, क्या है दिखा, हाँ नहीं बताओ क्या है, जल्दी बताओ, हाँ अच्छा मतलब कुछ ऐसा चीज़ है कि प्राइवेट है, मतलब यहाँ पे तो आपको नहीं शो कर सकता रहा हूँ, ये क्या है यार, मतलब ये दिखाने के लिए मुझे इतना दूर बुलाया गधा कहीं का। अच्छा तो मैं भी ऑन कर रहा हूँ, हेलोवीन है, और हेलोवीन जो होता है वो स्वेडन में मनाया जाता है, पर मेरे लिए पता नहीं क्या है ये हेलोवीन, तो ये पता नहीं क्या लेके आया है, अरे यार मतलब ये, अरे गिरा रहा है, ये डॉग का मार्क्स है, डॉग्स का मार्क्स है, और मतलब ये लेने के लिए, ये दिखाने के लिए फालतू का पैसा वेस्ट किया, प्रिंट किया और इतना दूर लेके आया, प्लस मुझे इतना दूर दौड़ाया। और सो हैप्पी हेलोवीन भाई ऑल ऑफ यू, और अभी मुझे डॉगी बना रखा है, खुद ने टाइगर बनाया, कौन हूँ पता है, खुद ने हेलोवीन बनाया, अभी दोनों हेलोवीन बना रहे थे और मुझे पता भी नहीं था ये क्या जोकर जैसा करके आया, मैंने सोचा कि ये थंबनेल ले लूँ बस, तो फिर कैमरा वहाँ है, तो नीचे देखो, तो बस ये थोड़ा सा थंबनेल का मैं पूछ मार रहा हूँ, चलो
मारते हैं यो, क्लियर रिएक्शन नहीं लेना क्योंकि इंडिया में नहीं मनाते हैं, और मोस्टली इंडिया में अगर बाहर बनाते भी होंगे तो पटना में तो बिल्कुल नहीं मनाते, पटना में बिल्कुल नहीं मनाते, तो उसी का फायदा उठा के क्या आप लोगों को पब्लिक रिएक्शन चाहिए तो एक दो जगह का दे सकते हैं। नहीं भाई नहीं देना, अब भी चल रहे पब्लिक प्लेस पे, और पब्लिक प्लेस पे थोड़ा सा भाई जो कैसा भी है बस काम चलाने पर देखते हैं कि पब्लिक रिएक्शन कैसा होता है। तो आई होप कि ब्लॉग आपको मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। और तक ऐसा ब्लॉग कोई नहीं बनाया होगा पटना ने, मेबी बहुत कोई बनाया नहीं हो तो नहीं पता, लेकिन हम लोग बनाने वाले हैं। और जल्दी से पहुंचते हैं कोई पब्लिक स्पॉट पर, हो चुका है स्टार्ट, और आई होप कि अब आपको भी मजा आने वाला होगा। बड़ा अजीब सा पोस्टर है, फाइनली हम लोगों ने जो हैलोवीन करने का सोचा है वो गांधी मैदान में सोचा है, और अभी यहाँ भीड़ है, हमें कितना जाना है। अगर भीड़ की बात करें तो चारों साइड में इतना लोग भरे हुए हैं, और सच बताऊँ तो मेरा ऐसे तो मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ भाई, लेकिन ऐसे मेरा बॉडी ठंडा पड़ रखा है, इतने लोगों के बीच में कुत्ता और शेर का मास्क लगा के चल रहा है। और वो भी इतना ज्यादा आदमी है यार, वो भी कोई ओकेजन रहता है ना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक चीज पता है, मैं कर लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। अभी हम लोग जाएंगे उस कॉर्नर में, क्योंकि उस कॉर्नर में बहुत ज्यादा भीड़ है, और वहाँ पे पहन के चलने वाले हैं, पर पता नहीं क्या कंडीशन है, वो नहीं समझ में आता। एक काम करते हैं, दोनों पहन के घूमते हैं, पता ही नहीं चलेगा चलक लोग। भाई टेंशन हो रहा है, टेंशन। फाइनली अभी पहनने जा रहे हैं, और पता नहीं उधर नहीं जाऊँगा कॉपी राइट लग जाएगा, पता नहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है, जस्ट यहाँ पहनने वाले वहाँ पे भैया लोग बैठ के पता नहीं शूट कर रहे हैं, पहन के देखते हैं और देखते हैं क्या शूट होने वाला है, क्या रिएक्शन होने वाला है। आशीष बी रेडी। उसके बाद पता नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यो बहुत मजा आएगा यार, तो नहीं आ रहा भाई। चलो सा नीचे कर मास्क को, परफेक्ट है मास्क नीचे कर, परफेक्ट है बस परफेक्ट। नाउ इट्स टाइम टू आशीष, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा भाई, ये प्रॉपर बनाया ही नहीं, मेरे को आइडिया ही नहीं था, बस मैं एक बार कॉन्फिडेंस में आ गया बस। डॉगी डॉगी नहीं, जल्दी पहन तू भी सेवन। ठीक लग रहा भैया, मस्त बस मेरा कॉन्फिडेंस आ गया, बस इतना ही कर रहा था मुझे, नाउ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है बस। भी गाइस यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं, और अब भी जस्ट गांधी मैदान में, और कोई गारंटी नहीं है, घास में जा रहे हैं, प्लस सामने एक भैया है, मैं आपको रिएक्शन दिखाने वाला हूँ। कैसे भैया, ठीक है? हमको देख के खराब हो गया कैसे? अरे इतना स्मार्ट तो लग रहा है, इसीलिए तो आज लगा के चल रहा है। चलो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, बात नहीं करेंगे, सिंपल वहाँ पे अभी जाने वाले हैं, और वहाँ चल के देखते हैं क्या रिएक्शन होने वाला है। भाई मैं ऐसे ऐसे करके देख रहा हूँ, मुझे नजर ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं सब, पता नहीं क्या देख लो भाई, पर दूसरा उसके बाद देखते हैं आगे। मोस्टली यहाँ कैमरा देख के लोग क्लियर कर रहे हैं, तो जस्ट यहाँ पे जा रहे हैं सामने में, और क्या बात है भैया, पूरा मुंह छिपाए हुए, पब्लिक भाई दिखाई नहीं दे रहा है, उधर सब देख रहा है, दिखाता हूँ कौन कौन देख रहा है, और मैं अभी घूमूंगा रिएक्शन लूंगा, ऐसे थोड़ी ना, अतीश आ जा मेरे साथ और रिएक्शन लेते हैं। अभी देखते हैं ये कहाँ जा रहा है, भैया बोल रहे हैं दो गज की दूरी जरूरी है, मास्क भी जरूरी है। अभी ये कहीं और साइड में जाएगा, और मैं कैमरा लेके थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ, ताकि इस मैं जूम कर लूँगा भाई, इसलिए थोड़ा दूर जा रहा हूँ ना, क्योंकि आप देखो अंकल का रिएक्शन देखो, वहाँ पे हंस रहे हैं, मैं ज़्यादा जूम इसलिए करके जा रहा हूँ ताकि वहाँ पे कैमरा देख के लोग हंसते हैं, और ज़्यादा रिएक्शन खास नहीं देते हैं, पर इसका पता नहीं क्या करने वाला, ये वहीं पे जा रहा है पास में, और यहाँ मोस्टली लोग कैमरा देख के अफ्रेड हो जा रहे हैं, हंस रहे हैं। और अब आशीष को यहाँ देखते हैं, एकदम स्ट्रेट जाके वो बगल वाले बेंच पे बैठ जा। क्लैरिटी व्यूज़ नहीं थी, नज़र नहीं आ रहा था, और ज़्यादा हो गया था, मतलब कैमरा देख के यहाँ लोग डर जाते हैं भाई। तो अब भी जस्ट यहाँ पे अब आगे देखते हैं, एक वहाँ पे मेला लगा हुआ है गांधी मैदान में, देखते हैं कैसा मेला लगा हुआ है, वहाँ भी चल के देखते हैं। गवर्नमेंट का यहाँ कोई मेला ऑर्गेनाइज हो रहा है, और यहाँ पे जस्ट आए हुए हैं, क्या है भाई, तो राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर। तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे पूरे देश को एक साथ करने में।
तो भाई यहाँ पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रारंभिक जीवन और यहाँ से कंटिन्यू आपको यहाँ पे सफल कैसे बने, आगे कैसे कैसे उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ अपना स्टार्ट करा, सारा सब कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, महात्मा गांधी का है, ये लो महात्मा गांधी बोल रहा है, इतना बड़ा पोस्टर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको नजर ही नहीं आ रहे। आफ्टर ऑल फाइनली बाहर आ चुके हैं और सुबह से पता नहीं आशीष को हेलोइन वेलोइन करके इसको भूत चढ़ रखा है, घर में भी करा, मेरे साथ भी बोला चलो पब्लिक प्लेस पे चलते हैं कुछ नौटंकी करते हैं। ठीक है आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करेंगे क्योंकि आप बगल में देख लो सर, अब दिवाली वाला आने वाला है यार, तो दिवाली में वाइब शुरू हो चुका है और पराठा वगैरह तो हम लोग क्रैकर्स छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि, लेकिन एक दो छोड़ूंगा जरूर क्यों, एक्सपेरिमेंट करूंगा वो भी आइसिंग का डाल। अरे यार नाम लिया और ये कहाँ पे चालू हो गया भाई, यहीं पे चालू हो गया। साथ आज के ब्लॉग को अंत करेंगे, फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए इंटरेस्ट के साथ, और आई होप कि आप लोगों को मजा आया है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशन। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।